अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों से एक अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर की थी सईद कनी की, तो आज मैं इन लोगों की जो है वो दो जेल का जो है वो रिव्यू आपके सामने पेश करूंगी। मैंने तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा ही यूज़ किया है। अच्छा, पहला जो हम देखेंगे ये है विटामिन सी जेल इनका, ठीक है। विटामिन सी जेल इनका अच्छा है, लेकिन इसके अंदर जो है वो खुशबू बहुत ज़्यादा है। एक्नी सेंसिटिव स्किन के लिए ये बिल्कुल फेल है, बिल्कुल यूज़ ना करें। इससे पिंपल्स निकल रहे हैं और इस फेस जो है वो थोड़ा सा आपको इरिटेटिंग फील हुआ मुझे। ये मेरा अपना पर्सनल तजर्बा था, पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप इसको यूज़ करके देखें, हो सकता है आपको ये जो है वो अच्छे बेनिफिट्स दे, अच्छे रिजल्ट दे। देखें, मैंने इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, जबकि इसके मुकाबले में मैंने नीम जेल फर्स्ट टाइम इनका यूज़ किया था। इससे पहले मैं इनका एलोवेरा जेल यूज़ करती थी, वो काफ़ी अच्छा था। नीम जेल यूज़ किया, देखिए ये बिल्कुल जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है और हो सकता है मैं इसका दोबारा भी इनको ऑर्डर करूं। तो ये इनका नीम जेल जो है वो अच्छा है, एक्नी स्किन के लिए अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो अल्कोहल जो है वो फील होता है, इसके अंदर अल्कोहल है। ये टोटल जो है वो ऑर्गेनिक, आई डोंट थिंक सो कि टोटल ऑर्गेनिक है, ये टोटल ऑर्गेनिक नहीं है, इसके अंदर केमिकल भी हैं आई थिंक, क्योंकि ये यूज़ करने से जो है वो यूज़ करती हूँ मैं तो मुझे फेस पे जो है वो अल्कोहल फील होता है कि अल्कोहल इसके अंदर है। ये टोटल ऑर्गेनिक मेरे हिसाब से नहीं है, बट ये चेहरे पे जो है वो आपके ऑयल को कंट्रोल रखता है, चेहरे को अच्छा मॉइस्चराइज करता है। गर्मी, सर्दी, विंटर, समर, हर जो है वो सीज़न के लिए एक्नी और ऑयली, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए ये अच्छा है, अच्छे रिजल्ट देता है और फेस को जो है वो अच्छा मॉइस्चराइज भी करता है। अगर आपको जो है वो कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है वो सूट नहीं करता और आपको सर्दियों में काफ़ी प्रॉब्लम रहता है ऑयली फेस की वजह से, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाओ तो उससे आपको पिंपल्स हो जाते हैं, इस तरह के इश्यूज़ अगर आपको आते हैं तो आप जो है वो इनका जेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ककम्बर जेल भी अच्छा है इनका, एलोवेरा जेल भी अच्छा है और नीम जेल भी अच्छा है। विटामिन सी जेल जो है वो मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इसकी जो स्मेल है, खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श है। अच्छा, मैंने रोज़ जेल भी इनका परचेज किया था, रोज़ जेल में भी मुझे यही इशू आया कि उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा हार्श थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो वो मुझे इरिटेट कर रही थी। वो मैंने किसी को यूज़ करने के लिए दिया है, ड्राई स्किन वालों को मैंने और ऑयली स्किन वालों दोनों को मैंने वो यूज़ करने के लिए दिया है। इंशाल्लाह वो जैसे ही मेरे पास उसके जो है वो रिजल्ट आएंगे तो मैं आपसे ज़रूर उसका जो है वो रोज़ जेल का जो है रिज़ल्ट शेयर करूंगी। बाकी विटामिन सी जेल इनका जो है ठीक है, हाथ वगैरह पे आप यूज़ कर लें, लेकिन फेस के लिए ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ ना करें। इसकी जो है स्मेल जो है वो आपको इरिटेट कर सकती है, फेस पे एक्ने कर सकती है, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंड नहीं है। ये अच्छा है इनका, ऑर्गेनिक नहीं है, इसके अंदर जो है वो है इसके अंदर इन्होंने अल्कोहल डाला हुआ है, ये फुल ऑर्गेनिक मेरे हिसाब से नहीं है। बट इसने मेरी एक्ने कंट्रोल की थी, फेस में बिल्कुल ड्राइनेस नहीं आई थी और फेस जो है वो थोड़ा सा जो है वो कैसे यानी अच्छा जो है वो फ्रेशनेस इसने फेस को दी थी। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये यूज़ कर लें, ये ले लें। आई थिंक इनकी अभी जो है वो वेबसाइट पे इनके जो है पेज पे कुछ डिस्काउंट भी चल रहा होगा, क्योंकि मैंने तो इसको 40% ऑफ जब था तो मैंने इनकी बंडल डील मंगवाई थी तो उसमें मुझे ये मिला था। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ये सो है, आप यूज़ करके देख लें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोगों को इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला, इसका रिज़ल्ट मुझे अपने फेस पर अच्छा नहीं मिला। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिव्यू वीडियो लेकर। जब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।